हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर जनरल रीडिंग। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे लियोज के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, यह आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये रीडिंग होगा लियो फॉर जून फर्स्ट हाफ, दैट इज़ द 1st to 15th जून। हम लोग चेक करेंगे आपका लव सिचुएशन, आपके पार्टनर का लव सिचुएशन, करंट फीलिंग्स कह सकते हैं, एंड ऑल्सो योर करियर एंड फाइनेंसेस। लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ। सो लेट अस स्टार्ट लियोज, देख लेते हैं दैट इस टाइम पे यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके लिए, व्हाट इज द मैसेज जो आप तक पहुंचना जरूरी है। व्हाई इज दिस कमिंग आउट? ओके, सो ओके, नंबर 44 वी हैव स्ट्रेंथ एनर्जी। आई सी यूनिवर्स, ओके, व्हाट इज हैपनिंग? आई सी यूनिवर्स इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। काइंड ऑफ आपके लिए मैसेज ये है दैट बहुत टाइम से आप काइंड ऑफ होल्ड ऑन कर रहे हो डिफरेंट सिचुएशंस को, आप बहुत कुछ एक साथ मैनेज कर रहे हो, संभाल रहे हो। लेट इट बी करियर हो गया, आपका जॉब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, लव, हेल्थ, एवरीथिंग। लाइक आप बहुत सारा बैलेंस कर रहे थे, बहुत कुछ आप लाइफ में बैलेंस कर रहे थे, आपके सर पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, या आपका बहुत सारा लाइक टारगेट है, अचीवमेंट्स है, गोल्स है, जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहा था, आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। सो कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम था आपके लाइफ में जिसके साथ आप कंटिन्यूसली बहुत टाइम से डील कर रहे हो, बहुत टाइम से आप स्ट्रांग रहे हो, बहुत टाइम से आप काइंड ऑफ अपने आप को टूटने नहीं दिए, आप काइंड ऑफ वो स्ट्रांग पर्सन, स्ट्रांग माइंड के तरह आप आगे बढ़ रहे थे। मे बी आप बहुत सारे लोगों का सहारा भी बने हो, मे बी आप लाइक फाइनेंशियली आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए मे बी आप साइकिक हो, मे बी आप लोगों को हील करते हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, और देर इज़ समथिंग अबाउट यू जो आप बहुत टाइम से काइंड ऑफ होल्ड ऑन कर रहे हो, जो बहुत टाइम से आप बहुत ही मैच्योरली डील कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि उसके लिए आपका जो रिवॉर्ड है, उसके लिए आपका जो ब्लेसिंग है, वो बहुत जल्दी आएगा आपके लाइफ में, एंड वो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। सो आपको छोटे मोटे साइंस, सिंबल्स आपको यूनिवर्स से मिलता रहेगा इस टाइम पे, जो कि ये बताता है दैट आपका ब्लेसिंग आपके करीब है। यू नो, ये डिफ़िकल्ट टाइम जो है आपके लाइफ में वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एंड आप काइंड ऑफ फिर से एक सुकून की सांस ले पाओगे, आप काइंड ऑफ फिर से थोड़ा सा हैप्पीनेस महसूस कर पाओगे। एंड आई फील बहुत टाइम से आप खुश नहीं हो, बहुत टाइम से आप काइंड ऑफ कंटिन्यूसली ओवरथिंक कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू बहुत टाइम से आप कुछ मेंटल इशू के साथ गुजार रहे हो, लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहा है आपको। बट आई सी दैट इट इज़ टाइम दैट यू ओपन अप। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आप बहुत टाइम से अपने इमोशंस को बंद करके रखे हो, आप रो नहीं रहे हो, आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हो। मे बी आपको लग रहा है कि ऐसा करने से चीज़ें टल जाएगा या सिचुएशंस यू नो बीत जाएगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड लियो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सिचुएशंस को फेस करें, हम लोग अपना इमोशंस शो करें, अगर वो रोना है, अगर वो गुस्सा है, अगर हंसना है, वॉट एवर इट इज़, बिकॉज एनर्जीज़ को ऐसे यू नो बॉटल अप नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू। अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी आपके लव मैसेजेस के लिए ड्यूरिंग दिस टाइम, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। वी हैव द 7 of Pentacles, the wheel of fortune, hanged man. Okay. लियोज, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आप एक डिसीशन है जो अभी तक आप ले नहीं पा रहे हो, एक लाइक आपको लग रहा है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब बदल जाएगा, बट आपके लिए ये समझना ज़रूरी है दैट समय के साथ तब
तभी सब कुछ बदलेगा जब डिसीशन आप लोगे, बिकॉज डिसीशन आपके बिहाफ में यूनिवर्स नहीं ले सकते. ओके, वो आपको हील कर सकते हैं, वो आपको विजडम दे सकते हैं, वो आपको काइंड ऑफ स्ट्रेंथ लेसन ये सब दे सकते हैं, बट डिसीशन आपका होगा. आपके लव सिचुएशन में सब कुछ स्टक है, एवरीथिंग इज स्टक. आपको लग रहा है समय रुक गया है, समय थम गया है. एक टाइम पे जो सब कुछ सही था, एक टाइम पे इट वाज अ वेरी लाइक फ्री फ्लोइंग मूवमेंट हो रहे थे, सब कुछ लाइक आसान था, एंड इस वक्त सडनली सब कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है. सडनली इतने सारे थॉट्स हैं, इतने सारा लाइक डिटेल्स है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है. मे बी लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं, मे बी आप खुद यू नो नेट से एडवाइसेस देख रहे हो, मे बी आप रीडिंग्स देख रहे हो, ऑल्सो मे बी आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर रहे हैं डिसीजन लेने में. बट आई थिंक आपका जो माइंड है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में. आप काइंड ऑफ एक राइट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो, आप काइंड ऑफ खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हो टू फाइंड आउट, टू फिगर आउट कि आखिर ये क्या है सिचुएशन, लाइक रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, व्हाट इज़ द बेस्ट डिसीजन टू मेक. बिकॉज आई थिंक दैट ये जो कनेक्शन था, ये काइंड ऑफ एक ड्रीम कनेक्शन था, ये काइंड ऑफ वो कनेक्शन था जहाँ पे आपने सोचा था दैट ये एक फॉरएवर वाला कनेक्शन है, या सोलमेट कनेक्शन है, या ये कनेक्शन हमेशा रहेगा, या लाइक सब कुछ बहुत आसान हुआ करता था. एंड राइट नाउ आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या है, कोई आइडिया नहीं है रियलिटी क्या है, कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, आपके सामने क्या हो रहा है. देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड सिंस इतना ज़्यादा मेस अप हो गया है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है सिचुएशन, आप काइंड ऑफ पूरे सिचुएशन को एक पॉज पे डाल दिए हो, आप रुक गए हो टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए दैट आखिर रियलिटी क्या है. ओके, दैट इज़ द सिचुएशन. लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है. उससे पहले मैं बोल दूँ, अगर आप सिंगल हो, आई सी दैट यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट इस टाइम पे नहीं है, बिकॉज आपका मेन फोकस इस टाइम लव नहीं है. आई थिंक इट्स योर करियर, आपका स्टेबिलिटी, आपका हेल्थ, एवरीथिंग एल्स, फैमिली, बट लव आपका मेन टारगेट नहीं है, लव आपका मेन फोकस नहीं है. आपको लग रहा है आपका लव लाइफ रुक सकता है, वेट कर सकता है, जब तक आप बाकी प्रायोरिटीज़ को संभाले, जब तक आप बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालें अपनी लाइफ में. ओके, दैट इज़ ओके, नथिंग बैड अबाउट इट. लेट्स सी आपकी पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है. वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्स. फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है. आई कैन सी हियर, आई फील दैट ये वो पर्सन है जो लाइक रिलेशनशिप या मैरिज में होते हुए भी दिखाते हैं दैट ये सिंगल है, जो इस टाइम पे लाइक देर आर टू साइड्स ऑफ दिस पर्सन. एक साइड जो स्टेबल है, जो मैच्योर्ड है, दूसरा साइड जो फन लविंग है, जो सिंगल है, जो बस फन टाइम्स के लिए है. सो दिस इज़ अ वेरी वियर्ड एनर्जी. सो यहाँ पे दो तरफा सिचुएशन जा सकता है. एक कि ये पर्सन आपसे मैरिड है, या आप दोनों कनेक्शन में हो, आप दोनों सीरियस हो एक दूसरे के बारे में, बट इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है. मे बी ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं, थर्ड पार्टीज आने देते हैं. थर्ड पार्टीज़ में कह दूँ, कभी कभी करियर, फैमिली, ये सब भी हो सकता है, और या फिर कोई तीसरा पर्सन, तीसरा इंसान भी हो सकता है. सो जैसे आपको रेजोनेट करे प्लीज़ वैसे ही लेना इस एनर्जी को. फॉर सम ऑफ यू ये कोई और एक पर्सन है इनके लाइफ में, कुछ लोगों के लिए ये उनका करियर या फैमिली भी हो सकता है. आई सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ इन्हें लग रहा है कि इनको बैलेंस करना पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ें. एक तरफ आपका कनेक्शन, एक तरफ उनका लाइफ, उनका करियर, उनकी फैमिली. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इनके चिल्ड्रन हो सकते हैं, एंड आई थिंक वो एक चीज़ है जो इनको रोकता है आपको कमिटमेंट देने से या आपके तरफ आगे बढ़ने से. राइट नाउ उनका मेन फोकस उनका करियर एंड उनकी फैमिली या उनका लाइफ है, लाइक वो खुद उनका मेन फोकस है. आई डोंट थिंक वो किसी और चीज़ में फोकस कर रहे हैं इस वक्त. आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में उनको लगता है दैट ये कनेक्शन बहुत ही
लाइक एक ब्यूटीफुल कनेक्शन हो सकता है आगे जाके, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसके लिए जो एफर्ट्स डालना ज़रूरी है या जो कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है वो ये पर्सन करना नहीं चाहते. लाइक इनका इंटेंशन सही है, इनका इंटेंशन सही है दैट ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, बट उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए जो एक्शन ज़रूरी है, जो बिहेवियर ज़रूरी है, जो मूवमेंट ज़रूरी है, वो ये पर्सन तैयार नहीं है करने को. दिस इज़ समबडी, अगर यहाँ पे सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है या लाइक डिवोर्स हो चुका है, वॉट एवर, ये पर्सन अपने काइंड ऑफ सिंगल लाइफ जी रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ लग्जरी में जी रहे हैं या काइंड ऑफ अपने लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, आई डोंट सी इस पर्सन को कुछ खास मायूसी है या ये पर्सन कुछ खास रिग्रेट कर रहे हैं. आई थिंक ये पर्सन अपने लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, इवन दो ये आपको वापस पाना चाहते हैं लाइफ में, ये वापस एक फ्यूचर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ, बट समहाउ दिस पर्सन फील्स कि इस वक्त उनके पास टाइम नहीं है यू नो इन सारी चीज़ों के लिए, एंड इस वक्त वो बस अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा हैप्पी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो स्पेशली करियर में, स्पेशली फाइनेंसेस में. मे बी आप एक कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस के साथ डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो या कैंसर एनर्जी या सजिटेरियस भी हो सकता है. सो लेट अस सी योर करियर सिचुएशन यहाँ पे क्या है. वी हैव जस्टिस, द वर्ल्ड एनर्जी, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. सो आपके पास ऑलरेडी दो मेजर आर्कानाज हैं. आई सी दैट इस टाइम पे लियोज देर इज़ अ ह्यूज चेंज जो आप अपने करियर में कर रहे हो, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है. कुछ लोग अपने करियर में एक बहुत बड़ा चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो. ये चेंज या तो आप किसी करियर सिचुएशन को एंड कर रहे हो, लाइक आप एक जॉब से निकल के दूसरे कुछ फील्ड में करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर एंडिंग समथिंग, या फिर आप काइंड ऑफ किसी न्यू जगह पे एंटर कर रहे हो, लाइक अ लाइफ पर्पस सिचुएशन. आई थिंक आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करके आपका फर्स्ट जॉब आपके हाथों में आ रहा है, या यू आर doing something like that. करियर वाइज या फाइनेंसिस वाइज आई सी दैट आपकी इनकम काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी लाइक खुश हो अपने ओवरऑल इनकम या ओवरऑल फाइनेंसिस से जो आपके पास है इस वक्त या आप कर रहे हो इस वक्त. बट आई ऑल्सो सी हियर लियोज दैट आपको काइंड ऑफ अपने इनकम पे थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रहे हो. लाइक या तो आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो बेकार है, या फिर आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, या फिर लाइक आपका इंटेंशन ये है कि मुझे अपना पैसा बढ़ाना है या मुझे अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है, मुझे सेविंग करना है या वॉट एवर, बट एक्चुअली में वैसा हो नहीं रहा है. सो ये क्यों है, ये इम्बैलेंस क्यों है और क्यों आ रहा है, इसके ऊपर आपका फोकस जाना चाहिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त. I also see that for some of you this is like a result situation, like maybe आपका exam था and finally आपका result निकल रहा है, maybe आपका like आप कुछ कर रहे थे and finally आपको पता चल रहा है कि क्या आप selected हो या नहीं. So I see that there is some kind of an ultimatum जो आपको पता चल रहा है also कि क्या ये job आपके लिए सही है, क्या ये career path आपके लिए सही है. So किसी सवाल का जवाब जो आप बहुत time से आपके दिमाग में था कोई सवाल, एंड उसका जवाब आपको फाइनली मिल रहा है इस टाइम पे. ओके, सो दिस इज़ अ बिट ब्यूटीफुल एनर्जी. एंड आई ऑल्सो सी दैट इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो. इस टाइम पे लाइक आपको मे बी एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, मे बी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है. एंड आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू आप कुछ नया सीख भी रहे हो. सो मे बी कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, कुछ लोग यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो, आई सी आप कुछ नया सीख रहे हो, लाइक आप अपने क्राफ्ट को काइंड ऑफ इंक्रीज कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. सो जो भी है इस टाइम पे आप काइंड ऑफ इस पे ध्यान मत दो कि आप कितना पैसा बना रहे हो, आई थिंक आप इस पे ध्यान दो कि आपका कितना एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, या आप क्या नया सीख रहे हो, या आप कैसे अपने डिसीशंस को चेंज कर सकते हो, या आप कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो. सो ये जो टाइम है ये टाइम सिर्फ फाइनेंसिस का नहीं है, ये टाइम सिर्फ आपके पैसा गिनने का टाइम नहीं है,
हैं. दिस इज़ द टाइम जब आप अपने फ्यूचर को प्लान करो, दिस इज़ द टाइम जब आप अपने एडुकेशन को प्लान करो, जब आप अपने करियर को प्लान करो. ठीक है, लाइक पैसा हमेशा सब कुछ नहीं होता है, एंड दिस इज़ अ टाइम जब आपका मेन फोकस आपके क्वालिटीज़ में होना चाहिए, जब आपका मेन फोकस आपके लर्निंग पे होना चाहिए, आपके ग्रोथ पे होना चाहिए, डेवलपमेंट पे होना चाहिए. सो उस पे ज़्यादा फोकस करो. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप कुछ वापस से सीखना चाहते हो, आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, देन डू दैट. ओके, ये मत सोचो कि अभी उम्र हो गया है या अभी नहीं हो सकता. डोंट थिंक दैट वेज. कुछ भी नया अगर सीखना है, स्किल हो, पढ़ाई लिखाई हो, वॉट एवर इट इज़, ट्रेनिंग वगैरह जो भी करना है, आप इस टाइम पे करो. यू विल सी द बेनिफिट कमिंग. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू माय लियोज, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा, अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप नए हैं, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.